हेलो माय लवली बेकर्स, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की केक की रेसिपी बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि एक हस्बैंड ने अपने वाइफ के बर्थडे के लिए इसे स्पेशल ऑर्डर से बनवाया था। और जो केक का डिज़ाइन था वो था बड़ा ही सिंपल, पर दिखने के में बहुत ही सुंदर और बहुत एलिगेंट लग रहा था। इसे बिगनर्स भी आसानी से घर पर बना सकते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले एक केक बोर्ड लेके और उस पर हमारे केक की फर्स्ट लेयर को स्टिक कर देंगे, और उसको मैंने शुगर वाटर से अच्छे से सोक कर दिया है। आप चाहें तो नॉर्मल वाटर भी यूज़ कर सकते हैं केक के मीठेपन के लिए, ये सब कुछ आपके ऊपर। फिर वही सेम प्रोसेस है, हम व्हिपिंग क्रीम अच्छे से फैला के उस पर आज हम बनाने वाले स्ट्रॉबेरी केक, तो मैंने स्ट्रॉबेरी का जो क्रश होता है वो उस पर अच्छे से स्प्रेड कर दिया, केक की सारी लेयर अच्छे से स्टिक करके उसकी क्रम कोटिंग करके अब हम उसकी फाइनलाइजिंग कर रहे हैं। फाइनलाइजिंग आप चाहे तो पाइपिंग मैग से भी कर सकते हैं, और चाहे तो आप डायरेक्ट स्पैचुला भी कर सकते हैं, ये सब आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आप बिगनर्स हैं तो आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप केवल पाइपिंग मैग से ही इसकी आइसिंग करें, इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। स्मूथनिंग के लिए आप चाहें तो स्मूथनर ले सकते हैं, या फिर मैंने आज एटीएम कार्ड यूज़ किया है तो उससे भी आप इसके साइड वॉल को स्क्रैप करके स्मूथ कर सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छी स्मूथनिंग होती है। और ये आप घर पे बना सकते हैं, तो इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने केक की फाइनलाइजिंग कर दी है और इसके शार्प एजेस मैंने स्क्रैपर से ही ऊपर से अच्छे से दे दी है। फिर मैंने क्रीम को तीन पोर्शन में डिवाइड करके एक को पिंक, एक को पर्पल और एक को स्काई ब्लू कलर की क्रीम तैयार कर ली है। ये केक की डिज़ाइन बहुत ही सिंपल है, बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं, और उसका जो लुक होता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। आपको नॉर्मल बेकरीज भी नहीं मिलेगा ये सब वाला जो डिज़ाइंस होती हैं। और फिर इसको मैंने जैसे कि स्पैचुला में दिखाया वैसे ही रख के, और इसको हल्के हाथों से ऊपर हम अच्छे से फैला देंगे। बस इसके आपको स्ट्रोक्स लगाना है हल्के हाथों से, ताकि नीचे की जो क्रीम है वो भी इसके साथ ना आ जाए। और ये हमारी फाइनल जो इस केक की लुक है वो रेडी है। कोनों कोनों से मुझे लग रहा था थोड़ा सा, तो मैंने एक बार से और उस पर स्पैचुला चला दिया है। ये सब आपके ऊपर है कि आप अपने केक को कैसे ब्यूटीफुल और कैसे और सुंदर दिखाना चाहते हैं। फिर मैंने वाइट क्रीम को सिंपल नेम लोजल के अंदर फिल करके ऊपर हैप्पी बर्थडे लिख दिया हल्के हाथों से। प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी ये लिखने के काम को अच्छे से कर सकते हैं, पर इसके लिए लिखने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत लगेगी। तो प्रैक्टिस तो किसी भी काम को परफेक्ट करने के लिए ज़रूरत होती ही है। और फिर उन्होंने कस्टमर ने अपना नाम बताया था जो मुझे इस पर लिखना था, वो भी मैंने इस पर लिख दिया था। और आप चाहें तो क्रीम से भी लिख सकते हैं, और चाहें तो आजकल सिलिकॉन के मोल्ड्स आते हैं उनमें आप चॉकलेट फिल करके उनसे भी लिख सकते हैं। पर हर किसी की जो डिज़ाइनिंग है वो अलग लगती है, ये भी सुंदर लगता है लिखने में। तो ये वाली जो डिज़ाइन थी उसके ऊपर अच्छा लग रहा था। फिर मैंने इसमें स्काई ब्लू क्रीम फिल करके पर्ल बॉर्डर दे दिया था ऊपर और नीचे, जो उसमें नीचे का नेवन पार्ट था वो उससे हाइड हो गया था। केक बनने के बाद बहुत ही सुंदर लग रहा था, कस्टमर को बहुत ही पसंद आया, इसका फ्लेवर भी उन्हें बहुत अच्छा लगा। और अब इस वीडियो में मैंने आपके साथ आगे बेंटो केक को आप कैसे पैक कर सकते हैं उसकी टिप शेयर की है। मैं इनको केक के जो नॉर्मल बॉक्सेस होते हैं उतनी ही पैक करके देती हूँ। जो बेंटो के जो बॉक्सेस होते हैं वो मेरे यहाँ अवेलेबल नहीं थे, तो मैं इनमें भी इनको पैक करके दे देती हूँ। और इसके ऊपर मैंने ब्लू कलर का रिबन से इसकी नॉट बना दिया था, उससे ये और भी सुंदर लग रहा था। तो फिर आप बताइएगा आपको ये कैसा लगा। इसमें भी जो मैंने जो भी ट्रिक और टिप्स आपके साथ शेयर की वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में जल्दी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।